बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप यू ऑल गाइस आर सेफ एंड सिक्योर बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, और वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स चैप्टर नंबर 11। Our today's learning points are elements of organizational design. Organizational design में क्या elements हैं जी जो decision making में involve होते हैं। उसके अलावा हम mechanistic and organic organizational structures के बारे में पढ़ेंगे, इनका difference हम देखेंगे। Third learning point is traditional organizational design options. कि traditionally organization के design या organization के structures के हमारे पास कितनी options हैं, तो तीन हम वो ऑप्शंस पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन टुडेज एरा। क्योंकि आजकल अनसर्टेनिटी इतनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश रहती है, उसको किस तरह से हम देखेंगे वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, क्रिएटिंग एंड चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर। कि आप क्रिएट कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन कह सकते हैं। और इसमें हम सिक्स एलिमेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। सिक्स एलिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या क्रिएशन में या चेंजिंग में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो एलिमेंट है हमारे पास, डेट इज वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवाइडिंग वर्क एक्टिविटीज इंटू सेपरेट जॉब टास्क। मैनेजमेंट हिस्ट्री मॉड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडम स्मिथ ने जो बुक दी थी अपनी द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया था कि अगर वर्क को हम डिवाइड कर लें डिफरेंट लोगों में जो कि उस काम के उस प्रोसेस कि उस स्टेज को करने में स्पेशलाइज्ड हों, तो इससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने पिंस के लिए थी कि अगर 10 एम्प्लॉयज पिंस बनाने में जो है वो अपने अपने स्पेशलाइज्ड टास्क सर अंजाम दें, तो इस तरह से वो 48,000 जो पिंस हैं पर डे वो बना सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा पूरे प्रोसेस के हर टास्क को खुद करेगा, तो वो दिन में सिर्फ एक ही जो है वो 10 जो है वो पिंस बनाता है, एक एम्प्लॉय या एक वर्कर आप कह लें। तो 10 वर्कर मिलकर इस तरह से 100 बना सकते हैं पिंस। लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड काम में उनको डिवाइड कर दें वो काम उन वर्कर्स को, तो इस तरह से 48,000 पिंस बन सकती हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशन, कि आप वर्क एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं उन लोगों में जो कि उस काम को करने में ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो, ज्यादा माहिर हो। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है डिपार्टमेंटलाइजेशन, द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप एग्जांपल लें, तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं कि आपने जो एक स्पेसिफिक काम है उसको ग्रुप करके अलग करना है, अलग डिपार्टमेंट बनाना है, दूसरे काम को आपने अलग करना है। लाइक ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड अलहदा लोग होते हैं जी, ग्रुप अलग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है, इसके अलावा फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है। तो ये डिफरेंट अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके पास। थर्ड जो हमारे पास है एलिमेंट, डेट इज चेन ऑफ कमांड, द लाइन ऑफ अथॉरिटी एक्सटेंडिंग फ्रॉम अपर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स टू द लोअर लेवल्स विच क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट्स टू होम। चेन ऑफ कमांड आप यही देख सकते हैं कि लाइन ऑफ अथॉरिटी जो एक्सटेंड हो रही होती है फ्रॉम अपर टू मिडल, मिडल टू लोअर, यानी टॉप मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्डर दे रहे होते हैं, कमांड कर रहे होते हैं मिडिल मैनेजर्स को, मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो कमांड कर रहे होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को, लोअर लेवल मैनेजर्स मैनेजर्स जो हैं वो कमांड कर रहे होते हैं आपके लेबर्स या फर्दर सिंपल एम्प्लॉयज को। और इससे ये वाजे हो जाते हैं कि किसने किसको जो है वो रिपोर्ट करनी है, यानी अपने इमीडिएट बॉस को जो उसे कमांड कर रहा होता है। ये हमारा जो है वो थर्ड एलिमेंट है। इसके बाद जो है हमारा फोर्थ एलिमेंट, डैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल,
अब स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो है क्या मतलब है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज, यानी उसका जो कंट्रोल है वो कितने लोगों पर है और कितने लोगों पर वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है। ये हमारा फोर्थ एलिमेंट है इन दोस सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। फिफ्थ वन हमारे पास है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अब इन दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं फर्दर। सेंट्रलाइजेशन मीन्स द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट अपर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो सिर्फ आपके अपर लेवल जो मैनेजर्स हैं या फिर आप सीईओ कह लें या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लें, सिर्फ उन्हीं के पास होती है। यानी सारी पावर सेंट्रलाइज्ड होकर सिर्फ एक ग्रुप के पास होती है जो कि आपका अपर लेवल है। डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पास क्या है, द डिग्री टू विच लोअर लेवल एम्प्लॉयज प्रोवाइड इनपुट और एक्चुअली मेक डिसीजंस, कि आपके लोअर लेवल एम्प्लॉयज जो है ना वो भी इनपुट देते हैं या फिर इन एक्चुअल वो डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। और हमारा जो सिक्स एलिमेंट है दैट इज फॉर्मलाइजेशन। अब फॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या है, हाउ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइजेशंस जॉब आर एंड द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी फॉर्मलाइजेशन में एक जो है हाईली फॉर्मलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आप इन्हें कह सकते हैं। इट मींस कि उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है वो एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड होती हैं, उनके रूल्स जो हैं वो न्यूमरस होते हैं, क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर्स होते हैं, वर्क प्रोसेस जो है वो उन प्रोसीजर्स के थ्रू चल रहा होता है, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा होता है, गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स, यानी सब कुछ फॉर्मल वे में चल रहा होता है। तो ये हमारे पास सिक्स एलिमेंट्स थे जो कि इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में। द फर्स्ट वन वाज वर्क स्पेशलाइजेशन, कि आप डिवाइड करते हैं वर्क एक्टिविटीज को। उसके बाद हमारे पास था डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुप टुगेदर किया जाता है जॉब्स को उस बेस पर, ये है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड था, कि अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक एक पूरी चेन ऑफ अथॉरिटी जो है, चेन ऑफ कमांड जो है वो आ रहा होता है। फिर फोर्थ वन हमारे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल है, फिफ्थ वन हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, और इन द लास्ट फॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट हम जो है मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ देखेंगे। ये दोनों कंट्राडिक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कि या तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है जिसे आप मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्ट्रक्चर्स रखती हैं, या फिर आपके स्ट्रक्चर जो है उसमें हाईली अडेप्टिवनेस होती है और फ्लेक्सीबिलिटी होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट इज रिजिड एंड टाइटली कंट्रोल्ड। जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉर्मल वे में जो है हाईली स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो हो रहे होते हैं, चेंजेस नहीं आती। और इसके अलावा यहाँ नीचे जो है एग्जिबिट में भी डायग्राम में यहाँ इन दोनों का जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं। मैकेनिस्टिक के हैं हाईली स्पेशलाइजेशन होती है जी, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कामों में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करता। क्लियर चेन ऑफ कमांड हमारे पास है, कि आपकी जो कमांड है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होती है, एक डिपार्टमेंट का एक ही मैनेजर होगा तो उस डिपार्टमेंट के सब एम्प्लॉयज ने उसी को ही जो है वो देना है अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल। नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल का ये मतलब है कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट पे ही कंट्रोल होगा, उसके अलावा उस मैनेजर का किसी और एम्प्लॉय पे कंट्रोल नहीं होगा। सेंट्रलाइजेशन होगी, यानी अपर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन बनाती है, जो डिसीजंस करती है। उसके बाद आपके पास हाई फॉर्मलाइजेशन होगी, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स वगैरह होंगे जिसे आप फॉर्मलाइजेशन कह सकते हैं।
अब ऑर्गेनिक हमारे पास क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट इज हाईली अडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, यानी एक टीम में जो है कई फंक्शन से कई डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को करने के लिए। क्रॉस हायरार्किकल टीम्स होती हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, मिडिल लोअर लेवल मैनेजर्स भी हो सकता है उस एक टीम में। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकती। कुछ सीक्रेट्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के आपस में, और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड क्यों हुआ कि जब जाहिर बात है आपके पास डिफरेंट फंक्शनल टीम्स होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, तो उस वक्त जो आपका प्रोजेक्ट हेड होगा उसके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे होंगे, तो उसका उन सब पे कंट्रोल होगा। दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होती है, एम्प्लॉयज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लो फॉर्मलाइजेशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, बल्कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट थोड़ी बहुत अडेप्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिशनल है, और जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन है उसे आप आज के दौर की जो नीड है आप उसके मुताबिक उसे कह सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अब नीडेड है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन। ये इनके स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े जो कि कंट्राडिक्ट हैं, रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अब हमने देखने हैं डिजाइन ऑप्शंस, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ऑप्शंस। तीन ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, या तो आपका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, या फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, या डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उस पे डिपेंड करता है। अगर तो आप कोई बिल्कुल नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक हमने इन द लास्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में सिर्फ अपर लेवल पर एक बंदा होता है जो कि खुद उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर होता है और वही सब कुछ संभाल रहा होता है, तो इसे आप सिंपल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन विद लिटिल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी बहुत ज्यादा जो है वो डिपार्टमेंट्स नहीं बने होते, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, उसका कंट्रोल जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे होता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, वो खुद ही डिसीजंस बना रहा होता है, एंड लिटिल फॉर्मलाइजेशन। चूंकि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स की हमने बात की है, तो उनमें जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह आ जाती है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोइंग होगी वो नहीं होगी, मींस लिटिल फॉर्मलाइजेशन, दैट इज सिंपल स्ट्रक्चर, जो हमारा पहला ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बड़ी हो तो फिर क्या होता है कि आप डिपार्टमेंट्स वगैरह बना देते हैं, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं, तो आप उस तरह की जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखते हैं अपना। एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज टुगेदर। डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं जिसमें एक तरह की जो स्पेशलिटीज ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटीज रखने वाले लोग होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में आपस में स्पेशलिटीज रखने वाले लोग काम कर रहे होते हैं, इसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे। एंड इन द लास्ट हमारे पास आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत ही बड़ी है जिसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज आ जाते हैं, तो आप डिविजन्स बना देते हैं। किस तरह से? हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में जो है वो वॉलमार्ट की एग्जांपल देखी थी, उसमें वो जिस तरह से अपना रिटेल स्टोर बना रहे हैं और फिर जिस तरह से वर्टिकल इंटीग्रेशन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वो अपने ही सप्लायर्स बन गए थे, तो रिटेल स्टोर आपका एक डिवीजन होगा और वो जो सप्लायर्स में जाके उनके अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे वो आपका दूसरा डिवीजन होगा। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेपरेट सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स और डिवीजंस, कि वहां के डिसीजंस भी वो खुद देखते हैं, दो के जो बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है जो कि दोनों को कंट्रोल कर रही होती है, अप्रूवल वहीं से आते हैं, लेकिन अपने अपने डिसीजंस में वो खुद मुख्तार होते हैं।
ये दो डिवीजन्स मैंने वॉलमार्ट के एग्जांपल आपको दी, इसी तरह से कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन ले लें जिनके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आप डिवीजन में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उनको, तो उसको आप उस वक्त करते हैं जब आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हों वो बहुत ज़्यादा हों, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में। तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन्स की। पहले हमने एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट्स देखने के बाद जो है हमने उनके जो है वो स्ट्रक्चर्स की फॉर्म्स देखी थी, दो जो कि कंट्राडिक्ट थी, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक, और अब हमने उनके डिजाइन ऑप्शंस देखे थे, सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन टूडेज एरा। क्योंकि आजकल के दौर में इतनी अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, चीज़ें इतना सडनली चेंज होना शुरू हो जाती हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अडेप्टिव या फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं आप, उनके कुछ पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है, आप टीम स्ट्रक्चर्स के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं टीम स्ट्रक्चर के तहत। अब टीम स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ वर्क टीम्स। कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो टीम्स के गिर्द जो है वो रिवॉल्व हो रहा होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपकी जो मैनेजेरियल अथॉरिटी है जो टॉप टू बॉटम होती है उसका कोई फ्लो नहीं होता। इसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी टीम्स खुद डिज़ाइन करते हैं और उन्हें जिस तरह से बेहतर लगता है वो अपना काम करते हैं, और वो अपने काम के रिस्पॉन्सिबल भी खुद होते हैं, अपने काम के लिए अकाउंटेबल भी खुद होते हैं। प्रीवियस स्लाइड्स में जो हमने सेल्फ मैनेज्ड टीम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डैट इज़ बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास जो है डेट इज मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स। अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेट असाइंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स टू वर्क ऑन वन और मोर प्रोजेक्ट्स। कि डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट से जो है ना कुछ स्पेशलिस्ट जो है वो असाइन किए जाते हैं एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस है, डेट इज मैट्रिक्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग या डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट जो हैं वो आते हैं। और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली इसमें इन विच एम्प्लॉयज कंटिन्यूसली वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट वाइज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, एक प्रोजेक्ट लिया काम किया खत्म, दूसरा प्रोजेक्ट लिया उस पे काम किया, फिर तीसरा प्रोजेक्ट लिया। लेकिन मैट्रिक्स में जो है ना ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है, ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही फॉर्मली एग्जिस्ट करती है, और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अगर ग्रुप डिसबैंड भी हो जाता है बाद में तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में वापस चले जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स में जो है ऑर्गेनाइजेशन इसी तहत चल रही होती है कि प्रोजेक्ट वाइज काम कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें आप बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से डिफरेंट लोग जो है ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब टेली कम्यूटिंग भी बेसिकली यही है कि आपने ऑनलाइन काम करना है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है कुछ की एम्प्लॉयज जो हैं वो परमानेंट होते हैं और बाकी टेम्परेरीली जो है वो आउटसाइड से स्पेशलिस्ट हायर किए जाते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। टेली कम्यूटिंग में सब लोग मिलकर जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। एंड आफ्टर डैट हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा, कंप्रेस्ड वर्क वीक्स, फ्लेक्स टाइम एंड जॉब शेयरिंग, जिसे हम फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। अब कंप्रेस्ड वर्क वीक्स क्या है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबा देना। अब वर्क वीक्स इसको हम इस तरह से करेंगे कि आप हफ्ते के 5 दिन
किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करेंगे, चूंकि आपने 40 घंटे पूरे करने होते हैं, 40 आवर्स पर वीक का हिसाब होता है जी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आप हफ्ते के 5 दिन अगर काम करेंगे तो आप 8 घंटे करेंगे रोजाना काम, 8 आवर्स पर डे। लेकिन एम्प्लॉयज को ये छूट दे दी जाती है कि अगर आप 4 दिन आकर काम करना चाहें तो आप 10 घंटे डेली का काम कर लें, तब भी तो 40 आवर्स ही बनेंगे ना, 40 आवर्स पर वीक। तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है कि काम भी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस का, और अगर एम्प्लॉय कहीं और बिजी है तो उसका एक दिन बच जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्स टाइम। अब फ्लेक्स टाइम बेसिकली हमारे पास क्या है कि इसमें एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स, कि एक हफ्ते में उन्होंने वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स पर वर्क तो करना है। एम्प्लॉयज को ये रिक्वायरमेंट तो है, वो रिक्वायर्ड तो कर रहे होते हैं एम्प्लॉय से कि आपने इतने घंटे एक हफ्ते में काम करने हैं, यानी 40 घंटे। लेकिन उनको ये छूट दे दी जाती है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करें, यानी वो नाइट शिफ्ट लेना चाहते हैं किसी दिन वो नाइट शिफ्ट ले लें, वो डे शिफ्ट लेना चाहते हैं वो डे शिफ्ट ले लें। कुछ लोग जो दो जॉब्स कर रहे होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है, किसी दिन नाइट शिफ्ट ले ली, किसी दिन डे टाइम शिफ्ट ले ली, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है टाइम में। उसके बाद हमारे पास है जॉब शेयरिंग। आप ये एग्जाम्पल देखें कि जो बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूके, इन अमेरिका, तो वहाँ चूंकि उन्हें 20 आवर्स पर वीक की इजाजत होती है विद देयर स्टूडेंट वीजा, तो उन्होंने 4-4 घंटे काम करना है। अब अगर ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स उन्होंने 4 घंटे काम करना है, तो वो एक बंदा जो 8 घंटे काम करता है उसकी बजाय वो ऐसे 2 स्टूडेंट्स हायर करेंगे, उन्हें आधी आधी तनख्वाह देंगे और 4-4 घंटे काम कराएंगे। इसे हम जॉब शेयरिंग कहते हैं। इन टूडेज एरा चूंकि जरूरत भी है आजकल के दौर में, तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू इजिली काम हो जाता है। एंड इन द लास्ट वन इट्स द कंटिंजेंट वर्कफोर्स। अब कंटिंजेंट वर्कर्स क्या है? बेसिकली आपके टेम्परेरी वर्कर्स, आपके फ्रीलांसर्स या आपके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जिनकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना उस वक्त बनती है, उन्हें उस वक्त एम्प्लॉयड कह सकते हैं हम जब उनकी सर्विसेज की डिमांड हो। यानी ऐसी वर्कफोर्स जिसे आप ऑन कॉल रखें कि जब आपकी जरूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे। ये लोग और काम भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर ये साइड वर्क भी पकड़ लेते हैं, तो ऐसी वर्कफोर्स को हम द कंटिंजेंट वर्कफोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जी कुछ स्ट्रक्चर्स थे जिनके तहत आप इन टुडेज एरा फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव हो सकते हैं। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी आसानी रहती है। डेट वॉज ऑल फॉर टुडे। होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, यू गाइज आर मोर वेलकम टू आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। फी अमानिल्ला। अल्लाह हाफिज।